हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में ही कहा था कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो है बेला वीटा फेस एंड बॉडी स्क्रब ग्रिड पे आएगी, तो आज मैं वही वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्या इसके बेनिफिट्स है, कैसे आपको यूज़ करना है, सब मैं बताऊँगी। तो गाइज़, यह है बेला वीटा की स्क्रब है, इसमें विटामिन्स है, ये कोलेजन को बूस्ट करता है, वॉलनट है, हाइड्रेट करता है स्किन को, पैराबेन फ्री है, सल्फर फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, ब्राइटनिंग बनाता है स्किन को, स्किन पोर्स को क्लींजिंग करता है, एक्सफोलिएट करता है, D10 को रिमूव करता है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो है कॉफ़ी बीन्स, वॉलनट, हिमालय रॉक सॉल्ट एंड बहुत सारे हर्ब्स। इसे आप मल्टीपर्पज़ वे में यूज़ कर सकते हैं। इसे आप अपने स्कैल्प पे, फेस पे, नेक पे, एल्बो पे, नी पे, फीट पे एंड ऑल ओवर द बॉडी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये पाउडर फॉर्म में होती है, तो इसे किसी में मिक्स करके यूज़ करना होता है। आप इसे अगर फेस पे यूज़ करना चाहते हैं तो क्रीम, जेल, लोशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे अपने स्कैल्प पे यूज़ करना चाहते होते हैं तो आप इसे शैम्पू में डाल के मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। और गाइज, इसकी जो प्राइस है 399 है, बट मुझे फ्लिपकार्ट से डिस्काउंट में मिली है 254 रुपीज़ में। आप भी वहाँ से लोगे तो आपको भी इतने में ही मिलेगी। इसके जो इंग्रेडिएंट्स मैं एक बार और बता दूँ, वॉलनट ग्रिड है, कॉफ़ी पाउडर है, रॉक सॉल्ट है, मिक्स हर्ब्स है और कोकोनट ऑयल है। तो जिस तरह से मैं आपको बताऊँगी, अगर आप उस तरह से इसे यूज़ करोगे तो आपको 110% ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही अच्छी आपकी स्किन हो जाएगी। इससे आपके डेड स्किन्स निकलेंगे, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सब रिमूव हो जाएंगे, स्किन क्लीन हो जाएगी, पिंपल्स होते हैं जिनके उनके पिंपल्स नहीं होंगे, छोटे छोटे अगर दाने भी होते हैं तो वो भी नहीं होंगे। तो मैं अपने जितनी मुझे फेस पे यूज़ करनी है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्क्रब इस बॉल में ऐड कर रही हूँ। अगर आपको पूरी बॉडी पे यूज़ करनी है तो आप उस हिसाब से ऐड कर लें। इसे आप क्रीम में भी ऐड करके मिक्स कर सकते हैं, लोशन में भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने इतनी से अपने फेस के अकॉर्डिंगली ले ली है, लेकिन मैं यहाँ पे जिसमें मिक्स कर रही हूँ वो है एलोवेरा जेल। सबके घर में अवेलेबल होती है एलोवेरा जेल, तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून एलोवेरा जेल इसमें ऐड करूँगी। और अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद आप देखोगे ये बहुत अच्छी स्क्रब फॉर्म में बन जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से स्क्रब में, ये देखिए एकदम स्क्रब के जैसे बन चुकी है। अब आपको इसे यूज़ कैसे करना है वो बताती हूँ। तो आपको जब इसे यूज़ करना है, आपको चाहिए वार्म वाटर, एक बॉयल में आप वार्म वाटर ले लें, गर्म पानी। और मेरे पास यहाँ पर स्टीमर है, अगर आपके पास स्टीमर ना हो तो घर में पतीला बॉयल वगैरह होता है उसमें पानी गर्म करके उसकी स्टीम जब निकलने लगे तो उसके साथ आपको स्क्रब करनी है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट तक फेस में आपने स्टीम ले लेनी है, उसके बाद ये जो हमारी स्क्रब है इसे मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी और सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे आपको इसे घुमाते रहना है। थोड़ा थोड़ा गर्म पानी इसमें ऐड करके आपको अपने फेस को स्क्रब करते रहना है। 2 से 3 मिनट्स तक अच्छे से फेस को आपने स्टीम लेते हुए स्क्रब करनी है। इससे अगर आपके पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं तो वो भी बहुत अच्छे से रिमूव होते हैं और स्किन बहुत अंदर से जाके एकदम क्लीन हो जाती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगती है, रेडिएंट लगती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ये फेस स्क्रब जेंटली रिमूव करती है आपके डेड स्किन सेल्स को। मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ, उसके बाद आपको इसके मैं रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि क्या बेनिफिट्स मिले हैं और किस तरह से मुझे महसूस हो रहा है, एहसास हो रहा है कि कितनी क्लीन हो गई है मेरी स्किन। तो गाइज, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, मुझे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन लग रही है। ये स्किन के टेक्स्चर को इम्प्रूव करती है, स्किन को टोन करती है। रेगुलर यूज़ अगर आप इसका करते हो तो आपको आपकी स्किन में ब्राइटनर, ल्यूमिनस कॉम्प्लेक्शन मिलता है और हेल्दी ग्लो मिलता है। आप इसे हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं और आप देखोगे आपके जो पिंपल्स अगर होते तो वो बिल्कुल नहीं होंगे, बंद हो जाएंगे। जब हमारी स्किन गंदी होती है अंदर से तभी ब्लॉक हो जाती है, तभी वो पिंपल्स के रूप में निकलती है। जब आप स्क्रब करते रहोगे तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। जब भी आप स्क्रब करें उसके बाद आपको अपने फेस पे कोई भी मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना है। तो मैं, क्योंकि हमारी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है स्क्रब करने के बाद, तो मैं यहाँ पे निविया का मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। आप जो भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं वो कर लें, तो इससे आपके जो छोटे छोटे दाने वगैरह भी होते हैं वो भी निकल जाएंगे और जितनी भी आपके ब्लैक हेड्स होते हैं नोज़ पर वो भी निकलेंगे, डेड स्किन भी निकलेगी। और ये हमारी स्किन के जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उसे डिस्ट्रॉय करती है, डेड स्किन सेल्स को रेफ्टलाइज
एक्सेस करती है, स्किन को ब्राइटनेस बनाती है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और डेड स्किन को बिल्कुल निकाल देती है और कॉम्प्लेशन को भी ब्राइटनेस बनाती है। और मुझे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ और ग्लो आप देख सकते हैं गाइस। इस तरह से आप यूज़ कीजिए ये स्क्रब, आपको भी बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। सो गाइस आज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, इससे मेरे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मेरा एक और चैनल है वेकअप एंड मेकअप, उसे भी ज़रूर चेकआउट करते रहिएगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड लव यू गाइज़।